दोस्तों, दुर्गा पूजा को लेकर पूरे देश भर में उत्साह का माहौल है। कई तरह के थीम बेस्ड दुर्गा पूजा पंडाल इस बार सभी जगहों पर बनाए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में भी दुर्गा पूजा की धूम मची हुई है। कई जगह पर थीम बेस्ड दुर्गा पूजा पंडाल तो कई जगह पर पारंपरिक रूप से दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है। मिदनापुर में दुर्गा पूजा पंडाल बनाने के लिए लोकल के साथ साथ बाहर के कलाकारों को भी बुलाया जाता है। इससे यहाँ के कलाकारों, मूर्तिकारों और डेली वेज पर काम करने वाले कारीगरों को रोजगार का अवसर मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव आज आपके साथ पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के एक खूबसूरत दुर्गा पूजा पंडाल थीम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर करूंगा। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देखने आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मिदनीपुर की दुर्गा पूजा में इस बार माता रानी के भक्तों को आकर्षित करने के लिए बुर्ज अल अरब बनाया जा रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस बार छोटे बाजार सार्वजनिक पूजा पंडाल के द्वारा पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सोने से लिपटे बुर्ज अल अरब रूपी दुर्गा पूजा पंडाल बनाया गया है। इस बार दुर्गा पूजा की तैयारी काफ़ी पहले से ही शहरों, जिलों, राज्यों और कस्बों में हो रही है। दोस्तों, बांस के मदद से पंडाल का एक बेहद ही खूबसूरत स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसे कि अंतिम रूप दिया जा रहा है। दोस्तों, पहले इस समिति के द्वारा 100 फीट ऊंचा बुर्ज खलीफा बनाने का प्लान था, परंतु बुर्ज खलीफा पंडाल के ज़्यादा ऊंचाई होने के कारण ये यहाँ पर नहीं बनाया जा सका। ये दुर्गा पूजा समिति लगभग 80 वर्षों से पूजा का आयोजन करते आ रहे हैं। इस बार यहाँ के उद्यमियों का दावा है कि लाखों लोग माता रानी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आएंगे। इस खूबसूरत से दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन नवरात्रि में तृतीया को किया जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आमार सोनार बांग्ला आमा के भालोबासी के अनुसार पंडाल में भी सोने का वर्क दिखेगा। इस पूजा पंडाल को बनाने में लगभग 20 लाख रुपए का बजट रखा गया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि समिति के द्वारा बनाए गए ये मंडप करीब 20 लाख रुपए की लागत से सोने से ढका हुआ होगा। एक प्रकार का मंडप दिन में और दूसरे प्रकार का सौंदर्य रात्रि में देखा जा सकता है। साथ ही साथ हर घंटे और सेकेंड में इस मंडप का रूप और रंग बदल जाएगा, जो कि दर्शकों का ध्यान खींचेगा। लंबे कोरोना काल के बाद आखिरकार पूजा पहले की तरह होने जा रही है। उद्यमियों को लगता है कि इस मंडप के आसपास दर्शकों की अच्छी खासी भीड़ होगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस पूजा पंडाल के साथ साथ मूर्तियों में भी नवीनता दिखाई देगी। कोलकाता के कुमारतुली से पुरानी मूर्ति को इस बार इस मंडप में लाया जा रहा है, इसलिए इस बड़े बजट के मंडप के साथ यहाँ की मूर्ति मेदिनीपुर शहर के वासियों के ध्यान को आकर्षित करेगी। पूजा उद्यमियों ने कहा है कि पहले हमारी योजना बुर्ज खलीफा बनाने की थी, लेकिन यह पता चला कि इस बुर्ज खलीफा की ऊंचाई एक छोटे से क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा है और यहां का प्रशासन भी इतना ऊंचा पंडाल बनाने की अनुमति नहीं दे रहा है, जिस वजह से यहां पर बुर्ज अल अरब का प्रारूप बनाया गया है। दोस्तों, इस पूजा मंडप में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दुबई में सोने का ये बुर्ज अल अरब पूजा पंडाल देखने में बिल्कुल रियल जैसा लगेगा। इसे देखने के लिए काफ़ी सारे सैलानी जुटने वाले हैं। अलग अलग रंगों के इस मंडप का रूप दिन के साथ साथ रात में भी पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेगा। दोस्तों, पूजा पंडाल के अलावा आसपास के विद्युत साज सज्जा पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जो कि यहाँ पर आने वाले भक्तगणों के मन को मोह लेगा।
इस पूजा समिति के द्वारा माता रानी की आरती भी काफ़ी भव्यता के साथ की जाती है। साथ ही साथ नवरात्र के अलग अलग दिनों में अलग अलग प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। किसी दिन हलवा चना, किसी दिन खीर और किसी दिन खिचड़ी आदि का भोग लगाया जाता है। दोस्तों, इस पूजा पंडाल में घूमने के लिए आप पैदल के साथ साथ वाहन से भी आ सकते हैं। इस दुर्गा पूजा पंडाल को देखने के लिए सिर्फ मिदनापुर शहरी क्षेत्र से ही नहीं बल्कि आसपास के कई ग्रामीण क्षेत्रों से भी लाखों की संख्या में लोग आते हैं। तो दोस्तों, ये था मिदनापुर का एक बेहतरीन थीम पर दुर्गा पूजा पंडाल बनाने वाला समिति। इसके अलावा भी मिदनापुर में कई जगह पर शानदार दुर्गा पूजा थीम्स पर दुर्गा पूजा पंडाल बनाए जा रहे हैं, जिसके बारे में मैं आपको अपने अगले पार्ट में बताऊंगा। तो आप इस बार मिदनापुर में दुर्गा पूजा घूमने के लिए कहाँ जा रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देखने आए हैं और आगे भी इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। और अगर आपने अभी तक हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल संजीव मिश्रा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उस चैनल पर भी आपको काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, अगली वीडियो आप किस शहर या किस जगह की देखना चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए और इतने तत्परता के साथ हमारा वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।